अभी सीन ऐसा है कि अभी घर वालों के साथ में मैं जा रहा हूँ दमदमा साहब गुरुद्वारे। इस टॉपिक में मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे को एकदम से क्लिक हुआ दिमाग में, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो भी फाइनली करोड़ों करोड़ों साल बाद हमको जगह मिल गई है गाड़ी लगाने की। माइनस 20 में चल रहे हैं, अभी 20 रुपए और रिकवर कर रहे हैं। भाई ये हमने टिकट ले ली है हुमायूं टॉम की, तो अंदर एंट्री ले ली है हमने। सीढ़ियाँ एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी ऐसे इंक्लाइन, तो पूरी भाई बड़ी मुश्किल से चढ़ के आए हैं। ना भाई किसी का आईफोन गिरा हुआ है, तो हम सोच रहे थे पोंटी कर लेते हैं। तो भाई ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था दोपहर में, जो इन्होंने कांड किया घर पे। तो भाई हम लोग आए हैं इसी देखने के लिए, और अभी मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली टाइम हो रहा है 11:32 और सुबह सुबह भाई तैयार होके निकल गए हैं। और अभी सीन ऐसा है कि अभी घर वालों के साथ में मैं जा रहा हूँ दमदमा साहब गुरुद्वारे। तो मैं गया नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो जाके देखते हैं भाई कैसा सीन रहेगा, क्योंकि मैं होला मल्ला पे कभी गया नहीं हूँ, और आज होली है। तो भाई आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं और होला मल्ला की भी। तो भाई देखते हैं, आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा भाई दमदमा साहब गुरुद्वारे में, तो देखते हैं भाई जाके कैसा लगेगा। बाकी अभी पार्किंग हमारी फुल पैक्ड है भाई, तो भाई एक बार गाड़ी निकाल लेते हैं, ये जगह ही नहीं छोड़ी। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी हैं, तो ये जीएस से खड़ी है, और ये गाड़ी पे हमने कपड़ा डाल दिया था, ये हमारी ट्रायम्फ वाली रॉकेट। तो भाई गाड़ी पे हमने कपड़ा इसलिए डाल दिया था क्योंकि एक्चुअली मिट्टी बहुत आती है, आपको मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया, तो इसलिए आज सोचा कि हम कवर वगैरह डाल देते हैं। एक्चुअली गाड़ी साफ़ करी थी, उसके बाद से हमने कवर डाल दिया था। तो पहले कवर हटाते हैं इसका, तो 3, 2, 1। तो लो भी गाड़ी का कवर हमने हटा दिया और गाड़ी स्टार्ट भी कर दी है, वार्म अप कर दिया था। तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि मैंने कुछ व्लॉग में पहले अपनी बाइक्स दिखाई थी, तो भाई कुछ लोग काफ़ी मतलब उससे ऑफेंड हो गए हैं, समझो आप, मतलब मेरा इशारा समझ जाना कि मतलब मैं इतनी महंगी महंगी बाइक्स दिखाता हूँ अपने व्लॉग्स में, तो कुछ अपने ही बंदे सड़ रहे हैं भाई कि भाई इसके पास में कैसे आ गई। तो भाई इस टॉपिक में मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे को एकदम से क्लिक हुआ दिमाग में, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ कि भाई देखो लाइफस्टाइल व्लॉग में बंदा वही दिखाता है जो उसके पास में डेली रूटीन होती है उसकी, वही दिखाता है भाई। तो मेरी डेली रूटीन भाई यही है, तो मैं यही दिखाऊंगा। आप कुछ रिश्तेदार समझ लो, कुछ दोस्त समझ लो, मतलब मेरा इशारा समझ जाओ कि वो लोग मतलब इस पर भी ऑफेंड हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो मतलब लोगों से देखा नहीं जा रहा, समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी कोई बात नहीं भाई, भगवान देख रहे हैं, भगवान उनका भी भला करे, जो हमारा बुरा चाहता है उसका भी भला हो, जो हमारा भला चाहता है उसका भी भला हो। तो अभी निकलते हैं, टाइम ऑलरेडी हो गया है, गाड़ी वार्म अप हो गई है, तो निकलते हैं भाई। तो भाई आज हमें सड़कें खाली मिलने वाली हैं, यहाँ से हमारी लोकेशन से दिखा रहा है भाई ऑलमोस्ट 30 मिनट दिखा रहा है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है भाई। और आज सड़कें पूरी खाली होंगी, तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाड़ी थोड़ी सी भगा लेंगे भाई, गाड़ियाँ होंगी नहीं सड़क पे, तो बाकी देखते हैं हम। तो लो भाई निकल गए हम घर से, और आज कुछ अजीब ही चीज़ देखने को मिली भाई, दिल्ली इतनी खाली मिली आज, सड़कें देखो भाई पूरी की पूरी खाली, और गूगल मैप भी दिखा रहा है 22 किलोमीटर आधे घंटे में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब समझते हो भाई कि 22 किलोमीटर 30 मिनट में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दिल्ली जैसे शहर में, तो भाई वो आज पॉसिबल होने वाला है। तो बाकी एक बार चल के देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि खाली पड़ा है। बाकी देखिए बैरिकेडिंग वगैरह हो रखी है, तो भाई रख देते हैं भाई, फिर बाद में मिलते हैं आपको। पेट्रोल, और हम भी पहुंचने वाले हैं, 7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, पास में है भाई, और टाइम हो रहा है 12:10। तो भाई 1100 में तेल आया है 11.61 लीटर, और ये हम पैसे दे देंगे भैया को। तो भाई गाड़ी के टायरों में हवा भी बहुत कम थी, तो लगे हाथ हवा भी भरवा रहे हैं, पीछे वाले टायर में 23 थी, 35 करवाएंगे, ये वाले टायर में तो
50 हवा थी इसमें, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन बता रहा हूँ। तो भाई इस वाले टायर में 50 हवा थी जिसकी बात कर रहा था, और इस वाले में कमी थी, अभी उसने भी भर रही है, इसमें तो 35 हो गई है। तो भाई कैमरा ना कभी कभी ब्लर मार जाता है, अभी दूसरे वाली साइड में डल रही है तो उसमें देखते हैं भाई कितनी आती है, उसमें भी ठीक है भाई। गाड़ी देखते हैं कहाँ लगानी है, फिलहाल ये देख रहे हैं भाई हल्का हल्का जाम शुरू हो गया है और ये हम पहुँचने वाले हैं भाई। लोगों ने बार बार लगा रखी है, अंदर पैदल निकल जाते हैं ना। देखते हैं इधर कहीं साइड में जगह मिल जाएगी तो यहीं लगा देंगे। उधर पार्किंग है गुरुद्वारे में? नहीं नहीं जगह नहीं है। नहीं है? तो भी फाइनली करोड़ों करोड़ों साल बाद हमको जगह मिल गई है गाड़ी लगाने की। गुरुद्वारा तो एक्चुअली आगे वाली साइड है और जगह हमको मिल गई है, काफ़ी दूर मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भगवान को मंजूर भाई, और क्या कर सकते हैं। बाकी अभी वहाँ तक हमको पैदल चल के जाना है भाई। ये जो है टॉम देख रहे हो ना, टॉम से राइट में जाके है गुरुद्वारा। तो भाई काफ़ी दूर लगाई है गाड़ी हमने, क्योंकि जगह नहीं है, काफ़ी पब्लिक आई हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो सारी गुरुद्वारे आई हुई हैं, इस वाली साइड भी। पहले हम यहाँ सोच रहे थे अंदर गाड़ी लगाने की ना, अंदर वाली साइड पे, पता नहीं अपार्टमेंट है या क्या है, अंदर ये वाली साइड पे पहले सोच रहे थे बैरिकेड हटा के लगा दे, बट सामने लग के भीड़। यहाँ पे आगे रात में चावल और पेप्सी, हमें लंगर मिल गया, अपने को पहले खा लेते हैं। तो भैया दमदमा साहब गुरुद्वारे की हिस्ट्री है, अगर किसी को पढ़ना हो तो भाई पॉज करके रीड कर लेना, मैं थोड़ा सा स्टिल शॉट ले लेता हूँ, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेना भाई। तो भाई टाइम हो रहा है 1:55, यहाँ चल रही है आइसक्रीम पार्टी, और सामने देखो भाई नज़ारा, बैक साइड में भी बढ़िया है, मज़ा आ गया भाई। लंगर खाने के बाद में आइसक्रीम खा रहे हैं, यहीं से लिया सामने से, इधर से मदर डेयरी की। और ये भाई 10 रुपए की आती थी, ये भाई साहब 20 रुपए की होगी अब। हेलो तो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे भाई। कुल्फी के खर्चे हमने 70 रुपए, ये माता जी के रिश्तेदार मिले, माता जी की मासी मिली, ये 50 रुपए देके गए हैं, अब माइनस 20 में चल रहे हैं, अभी 20 रुपए और रिकवर कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कोई और रिश्तेदार मिलेगा तो उससे 100 रुपए रिकवर करेंगे, ताकि प्रॉफिट में आ जाए थोड़ा सा। सारे रिश्तेदार यहीं मिल गए हैं, देखते हैं कोई और मिलता है तो पकड़ते हैं भाई। भाई लोगों ने आइसक्रीम खा के रैपर इधर उधर फेंक रखे हैं, हम डालेंगे अंदर बॉक्स में भाई। लो भाई डाल दिया भाई, एक गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या हुई, आइसक्रीम हमने यहाँ से ली थी और ये वाले अंकल के डस्टबिन में डाल दी, तो अंकल 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गए कि आइसक्रीम लेने आया या कूड़ा डालने आया, तो मैं कहा भाई डस्टबिन तो सबका ही होता है, तो हमने डाल दिया उधर भाई, बाहर नहीं फेंका। तो भैया हमने टिकट ले ली है हमारी टॉम की, तो अंदर एंट्री ले ली है हमने, अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ से एंट्री है,
ये सीधी वाली साइड है, हम ये वाली साइड पे बैठे हुए थे अभी जहाँ आइसक्रीम खा रहे थे। और ये भाई पेड़ चेक करो कितना बढ़िया है। यहाँ पे भाई फॉरेनर्स अगेन बहुत हैं, तो एक बार ही चलते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। एक्चुअली मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, वही स्कूल टाइम पे गया था लास्ट टाइम की तरह, तो चलते हैं भाई अंदर। पेड़ देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, काफ़ी पुराना है। और ये सारा इस साइड पे तो खाली है, उस साइड पे जंगल है, वो वाली साइड पे ये सारे पुराने पेड़ हैं। तो भाई कुछ लोग यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और कुछ लोग घूमने आए हैं हमारे जैसे। तो भाई ये लिखा है, ये है भारत, नया को किसी ने लात मार दी बेचारे को। तो भाई ऐसी कुछ एंट्री है यहाँ से, ये लिखा हुआ भाई, मैं सीधा ही जा रहा था, ये पढ़ लेना भाई किसको अगर पढ़ना हो तो। और वो रहा गुरुद्वारा सामने, आकर दिख रहा हो तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये गुरुद्वारा है, अरे हुमायूं टॉम है। यहाँ पे सब फॉरेनर वगैरह घूमते रहते हैं भाई। ये बड़ा सा गेट है भाई, यहाँ से एंट्री होती है, ये वाली साइड से एंट्री है, और यहाँ से वो रहा सामने भाई हुमायूं टॉम। तो भाई मम्मी बता रही है ये वाली साइड पर पहले फुहारा होता था, तो फाउंटेन चलता था ताकि इसकी लुक निकलती थी भाई। अभी पता नहीं क्यों बंद कर रखा है इन्होंने। और ये भाई भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। वही निकलते हैं भाई अंदर, यहाँ लोग बैठे हैं भाई एंजॉय मार रहे हैं। तो भाई यहाँ से फिर से ऊपर जाना है भाई, सीढ़ियाँ देखो कितनी सीधी सीधी है भाई, इतनी ऊपर ऊपर है भाई, स्टेप देखो कितने बड़े बड़े हैं भाई। और यहाँ से लुक देखो कितनी बढ़िया आ रही है भाई, हैमस्ट्रिंग्स गए मेरे भाई, खड़ी चढ़ाई एकदम। तो भाई आ गए हम ऊपर, और भाई सीढ़ियाँ एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी ऐसे इंक्लाइन पे पूरी भाई, बड़ी मुश्किल से चढ़ के आए हैं। बाकी अभी अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, देखते हैं भाई यहाँ क्या है। पानी है, कौन सा पानी है, अंदर क्या है, अंदर पता नहीं क्या है भाई। अच्छा दुर्गा दुर्गी बनी हुई, पता नहीं क्या है, देखते हैं अंदर चल के। तो भाई अंदर की साइड से ऐसा कुछ बना हुआ है, तो भाई यहाँ पे क्या है देखते हैं भाई चल के। भूल भुलैया टाइप सा बना रखा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये पता नहीं भाई क्या है, देख लो पता नहीं, आगे चलते हैं भाई। घंटी से लगा रखी है, और ऊपर जाले देखो भाई, दुनिया भर के जाले। तो भाई ऊपर से कुछ ऐसा सा व्यू है, और पीछे ही रेलवे स्टेशन है, मामा बता रही हैं। तो ये ट्रेन की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। तो ये देखो भाई सामने क्या बना हुआ है, पता नहीं क्या है, कृपया रेलिंग से दूर रहें ठीक है भैया। तो भाई पीछे ट्रेन हॉर्न बजा रही है, तो यहाँ से पूरा व्यू है ऐसा। तो भाई आप देखो, बाहर से कुछ ऐसा व्यू, और ये ऊपर से देखो भाई, मेरे को तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना यही बढ़िया लगा भाई, अंदर इतना कुछ खास नहीं है, बाकी यही है भाई। और यहाँ तो भाई चल चल के हम अंदर आ तो गए हैं, अब इतना दूर वापसी चल के जाना पड़ेगा, कि यहाँ से आए हैं ये वाली साइड से घूम के दोबारा जाएंगे। तो भाई काफ़ी थक गए हैं, और भाई गर्मी के तो क्या ही कहने भाई, गर्मी इतनी गंदी वाली हो रही है। अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया था, 33 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, और भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है, मेरी तो शर्ट पूरी भीग गई थी भाई। तो अभी देखते हैं नीचे उतरते हैं भाई। भाई ये एक और चीज़ देखने को मिली, और इसमें हमको दिखा किसी का फ़ोन गिरा हुआ है, अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं। ये बड़ा उड़ गया, ये भाई नीचे सिक्के भी पड़े हैं, ये सब डाल रहे हैं भाई। लो भाई हमने ही फेंक दिया, देखते हैं। तो भाई उतरते टाइम हमको बढ़िया सीढ़ियाँ मिल गई हैं, खड़ी पौड़ियाँ नहीं है भाई, दूसरे गेट से निकले हम, ये रहा भाई। तो भाई ये गेट देखो कितना बड़ा लगा हुआ है, लकड़ी का गेट है भाई, ये देखो ये पूरा लकड़ी का गेट है। एक कुंडा भी है खड़काने के लिए, कोई है घर में नहीं पूछने के लिए भाई। कितना 10-12 फुट का तो होगा कम से कम, ये 10-12 फुट का तो होगा, 12 फुट से भी ऊपर, 15, इतना तो लेंटर ही होता है, इतना तो लेंटर ही होता है ना। ओके
तो भाई 20 फुट के आसपास में गेट है भाई, और हमने एग्जिट ले लिए। तो अभी निकलते हैं हम, उस वाली साइड से निकलना हमको, हम एक्चुअली पीछे वाली साइड से निकल गए। तो भाई अभी हमने जहाँ से पैसे डाले ना उसका रास्ता यहीं से है, नीचे वाली साइड से, ये वाली साइड से ही है। अंदर तो जाल लगा हुआ है, तो अंदर ना भाई किसी का आईफोन गिरा हुआ है, तो हम सोच रहे थे फोन ठीक कर लेते हैं, बट ताला लगा हुआ भाई। ये देखो ये सामने, ये देखो ताला लगा हुआ है। तो भाई अफसोस, प्लान नाकामयाब। बाकी यहाँ पे भाई DSLR वगैरह से शूट कराओ तो बहुत बढ़िया शूट होगा, एक नंबर। काफ़ी फॉरेनर्स आए हैं, वो अपना शूट करवा रहे हैं ऑलरेडी, तो आउटपुट काफ़ी अच्छा है क्योंकि धूप भी आ रही है। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अगर शाम के टाइम आओगे ना यहाँ पे तो और ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लाइट्स पड़ती हैं वहाँ से। भैया बता रहे हैं वो सामने लाइट लगी हुई है, ये वाली साइड पर ये लाइट लगी हुई है, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है अंदर की साइड पर, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है ऐसा सुनने में आया है। बाकी यहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह भी जाती है भाई, ये देखो ऊपर फ्लाइट जा रही है भाई, बढ़िया नज़ारा है एक नंबर। तो हम भी चलते हैं भाई, नीचे उतरते हैं, और टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, 3:30 हो गया है, तो घर चलते हैं भाई, काफ़ी लेट हो गया। अभी रास्ते में भी हमारे को आधा घंटा लगेगा, तो निकलते निकलते भी अभी 10-15 मिनट लगेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो चलते हैं भाई। मेरे को ये बताओ यहाँ बैठ के क्या मिल रहा है? हवा मिल रही है, गुरुद्वारे से तो लंगर खाए हैं, ठीक है, पेप्सी इन्होंने पी ली, खाना भी हजम कर लिया, वॉक भी कर लिया इन्होंने, अब बचा यहाँ पे सोना, विटामिन डी भी ले लिया, अब रह गया सोना, तो थोड़ी देर यहाँ पे सोएंगे, अभी सो के फिर घर जाएंगे। टाइम देख लो, टाइम क्या हो रहा है, 2:45, और ये इनको अभी तक घर नहीं जाना। क्या घर नहीं जाना क्या आज? नहीं, शाम अब कंटेंट बन रहा, कंटेंट बन गई रील भाई, रील बन गई। सुबह मेरे को तैयार करवा के इन्होंने बोला है कि बस अब रहन देते हैं, अभी रहन दो, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले नहीं नहीं, घर पे बैठो आराम से। और अब जब यहाँ पे आ गया हूँ ना, तो यही डायलॉग मेरे पे फेंका जा रहा है कि तू नहीं आ रहा था, तू नहीं आ रहा था, जबकि खुद मना कर रहे थे। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। ये जब जब भी कैमरा ऑन होता है ना भाई साहब, इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी भी और इनकी भी। ये देखो, ये देखो, ये हंस रही है ना जो मैडम। मैं तो बोल रही थी चलो चलो, आप ही मना कर रहे, तुम रहने दो, तुम लेटी हुई थी, तुम्हारे चक्कर में इन्होंने बोला है कि रहने दो, मन्नू की तबीयत खराब है। मैं तो देखो एकदम, अभी कैमरा ऑन हुआ है ना, बस चुप हो गए, अब इनकी बोलती बंद होगी। अब इन दोनों में से कोई भी नहीं बोलेगा, ये देखना आप, अभी बैठे रहेंगे ऐसे। अब बोलो क्या बोल रहे थे? वो भाई गोलगप्पे खाने थे। गोलगप्पे गोलगप्पे कुछ नहीं खाने, आप घर चलना भाई, मैं रहा हूँ थक, मैं भीग गया हूँ भाई, मेरी पूरी शर्ट भीग गई है। अच्छा वो, अच्छा इन्होंने काले कांड किया, वो भी घर जाके दिखाऊंगा मैं तुमको, घर जाके दिखाऊंगा। सब चेक करके आ गए हम लोग, बनाना, हाँ बनाना क्या था, बन के आ गया, वो भी मैं घर जाके दिखाऊंगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर घर पे मिलते हैं। पीछे वाली जेब से मेरी धन दौलत गिर रही थी, तो मैं आगे वाली जेब में डाल देता हूँ। ये क्या है? एन एग्जीबिशन शो कास्टिंग द हिस्टोरिकल, पता नहीं भाई क्या है, देखते हैं कैसे अंदर रख लेंगे। ये पता नहीं भाई, एम्परर हुमायूं, बादशाह हुमायूं, यमुना नदी के किनारे, हिस्ट्री है भाई, जो भी है, इस साइड भी है और इधर भी है, ये कुछ बना हुआ है, हम इधर, ये इतना बड़ा टोटल टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम यहाँ यहाँ से भी आए हैं ना, ऐसे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे हम। स्कूल के प्रोजेक्ट की याद आ गई, थर्माकोल में बनाते थे ऐसे। हेलो मैडम, इतना ध्यान से अगर स्कूल में पढ़ लिया होता तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता ना? अरे वो मैं पढ़ के आई थी, इसीलिए पढ़ रही। अच्छा, तभी मुंडी हिला रहे थे, है ना? सही लिखा है कि नहीं, चेक कर रही थी। अच्छा, मतलब जो बुक में लिखा है वो सही है कि नहीं, वो चेक कर रहे थे। हाँ, वो बना रही थी। अच्छा, चलो सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही, बढ़िया बढ़िया, हमारी तरफ से पास है भाई। सारी कलाकारी छोड़ के ये कलाकारी है भाई, जबरदस्त, क्या पीक मारी है भाई, बढ़िया। तो भाई हमारे टॉम को बाय बाय बोल के निकल दें हम, अब टाइम हो रहा है 3:08 भाई। एक तो पैदल चल चल के हालत इतनी बुरी हो गई है, और ऊपर से गाड़ी हमारी बहुत दूर है, तो अभी करोड़ों करोड़ों साल बाद हमें हमारी गाड़ी मिल गई है, तो ये गाड़ी चलते हैं भाई। भपका हो रहा होगा भाई, गंदे वाला भपका। ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई भाई, बुरा हाल हो रखा है गाड़ी का तो। भाई सामने शीशा भी गंदा हो रखा है, देखो अगर डॉट डॉट नज़र आ रहे हो आपको तो, ये रहा इस साइड से, अरे फोकस हो जा, हाँ हो गया। फिर गाड़ी में AC ऑन कर दिया है,
भी ठंडी होगी तो फिर चलेंगे। हाँ जी जी, क्या हाल है भाई? टाइम हो गया 3:30 और घूमने की हालत थोड़ी की ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। एक्चुअली गुरुद्वारे में बैठे हुए थे तो पसीने बहुत आ रहे थे, तो फिर वहाँ से निकले थोड़ी देर बाहर, तो थोड़ा चावल वगैरह मिल गए थे वो खा लिए। फिर उसके बाद में यहाँ आ गए थे हुमायूं टॉम, वहाँ पे आई पैदल चल चल के बुरी हालत होगी। अभी गाड़ी में है तो गाड़ी गर्म है, ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है, तो अभी थोड़ा ठंडी होगी फिर निकलेंगे घर। घर जाने में भी कम से कम हमको लगेगा आधा घंटा लगेगा। उसके बाद में शाम का कोई प्लान नहीं है, शाम की शाम को देखेंगे। अभी निकलते हैं भाई घर। भाई वो रेड लाइट देखो ज़रा, कहाँ छुपा के लगा रखी है। अब कौन कहेगा ये रेड लाइट है, यहीं कहीं खड़े होंगे चलान काटने के लिए साले। देखा ये खड़ा सामने ही खड़ा है। तो भाई ये दुनिया भर का गंद कर दिया लोगों ने, बाकी भाई गेट खोल लिया है तो गाड़ी अंदर करते हैं भाई। तो भाई टाइम हो गया 4 और अपने घर पहुंच गया, पहले गाड़ी लगा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। एक तो भाई पूरी पूरी जगह है, एक मिनट एसी बंद कर दूँ पहले। भाई पूरी पूरी जगह ही है, गाड़ी तो अपनी लग गई है। अभी सामान हटा लेते हैं, चार्जर अपने को चाहिए होगा, ये भी भाई सामान रखा हुआ है इसको भी हटाते हैं, एक मिनट भाई। भाई और क्या है, ये तो पर्चे हैं, ये भी फेंकनी हैं, और ये पैसे पड़े ये अपने ले चलते हैं भाई। भाई आज तो जगह ही नहीं निकलने की भाई, पूरी पार्किंग अपनी फुल हो रखी है बाइक से कार से, देखो सारी खड़ी हुई आज घर के अंदर। और यहाँ भी थोड़ा सा एक टास्क है निकलने का, इधर भी भाई कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और हम निकलेंगे पीछे से, ऊपर से कहाँ से निकले भाई, एक मिनट। तो भाई फाइनली मेहनत मशक्कत के बाद में निकल के आ गए हम, और चलते हैं ऊपर। शाम का प्लान शाम को देखेंगे जो भी होगा। बाकी अभी दोस्त का फ़ोन आया था तो तब मैं ड्राइव कर रहा था, तो अभी ऊपर चल के एक बार फ़ोन करते हैं उसको, देखते हैं क्या काम है भाई को। तो ठीक है, लेकिन ये नींबू पानी आया है और ये ऊपर पता नहीं कौन से प्रजाति के कीड़े मकोड़े डाल दिए इन्होंने, ये देखते हैं भाई। मर मुड़ तो नहीं जाऊँगा मैं। ये भाई क्या बनाया, ये इतना गंदा क्या करके खाएंगे भाई। तो यहाँ पे अपनी सेकंड चीज आ गई भाई, मीठे चावल गुजिया। तो भाई ये वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था दोपहर में, जो इन्होंने कांड किया घर पे। ये माता श्री ने घर में बनाया ये। अब ये आलू के पकौड़े और ये पता नहीं क्या क्या लग रहा है मेरे को, और इतने छोटे छोटे से बने बेचारे। ये देखो भाई ये घर पे बनाए हैं, अभी एक्सपेरिमेंट करने बोल रहे हैं मेरे को, कह रहे तू खा के बता। अब क्या करूं मैं, दुविधा सी हो गई है। अब सोच रहा हूँ खाऊं के ना खाऊं, निपटा दोगे? चलो ये खा के देखता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। हाँ। मेरा रिएक्शन हाँ। पता लग ही जाएगा आप लोगों को। हाँ। तो खाता हूँ फिर बताता हूँ मैं। छोटी सी पकौड़ी, अरे आम तुम छोड़ो, पहले छोड़ो कह रहा हूँ, पहले खा के तो देखो इधर कितना सा पानी आया भाई। बाकी कह रहा हूँ खा के देखो, खजाना वन भाई। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने पता है क्या करा है, इन्होंने बनाया है सूजी का, तो ये क्या पूड़ी कह लो या आलू का पकौड़ा कह लो, ठीक है ये बनाया है इन्होंने। और उसके बाद में जो हरी चटनी है ना उसको पतली करके ना उसका पानी बनाते हैं। यम बनी है तो खाओ ना फिर, बाकी मेरे लिए क्यों छोड़िए, खाओ इतनी सारी है। ये देखो कितनी सारी है, ये देखो हम ही खाएंगे, खाओ खाओ भाई। मैं रेडी हो जाता हूँ, मैं एक्चुअली कुछ हमारा एक प्लान बन गया सडनली, तो निकलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि शाम को हम लोग खा पी के मस्त थोड़ा सा पसार के थे सारे के सारे, तो पगड़ी वगैरह खोल दी थी तो अभी दोबारा से बांध दिए, रेडी हो गए। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी पैसिफिक मॉल, तो गोलगप्पे वगैरह हमने खा लिए, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। तो अभी सीन ऐसा बन रहा है कि हम जा रहे हैं
पैसिफिक मॉल क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे एक्चुअली हमें एक काम है, ज़रूरी काम क्या है, क्योंकि मेरे जो रूम का एसी है वो ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको रिप्लेस ही करवा देता हूँ। तो अभी चलते हैं पैसिफिक, वहाँ पे तो वहाँ में देखेंगे, और एक दो जगह और है रिलायंस डिजिटल वगैरह, तो वहाँ पे चल के देखते हैं। बाकी कुछ अगर कपड़ों की शॉपिंग होगी तो वो भी कर लेंगे। बाकी यदि स्कूटी निकालते हैं, मोमो वगैरह करते हैं, ऐसे पास में ही है, वैसे तो पैदल का रास्ता है, बट हम लोग शहनशाह स्कूटी पे जाएंगे। बाइक निकालते नहीं है आजकल, पेट्रोल महंगा हो रखा है ना, 100 रुपये लीटर हो रखा है। 1250 निकालूंगा तो आएगी कोई 8-9 की एवरेज। वैसे ही लोग सड़े पड़े हैं हमारे से, भाई इतनी महंगी बाइकें दिखाते हैं भाई अपनी वीडियो में, तो भाई सड़ रहे हैं तो सड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अपनी है सारी खुली रहती हैं, ऐसी तो हम कब चलाते हैं। बाकी किसी को अगर लेनी हो तो बता देना भाई सेल पे आइए, ठीक है? तो अपनी इसको निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपको पैसिफिक में। भाई साहब हमने पैसिफिक क्या आना छोड़ा, यहाँ पे तरक्कियाँ इतनी हो गई, देखो पार्किंग बना दी है फ्रंट में ही, और ये इतना रिनोवेशन का काम चल रहा है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर पार्किंग में, चल के देखते हैं भाई और क्या क्या चेंज कर दिया, काफ़ी कुछ बदल गया भाई। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो भाई चल के देखते हैं अंदर। तो भाई हम लोग आए हैं एसी देखने के लिए, और अभी मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ एक क्रोमा का भी ब्रांड बता रहे हैं भैया, ये वाला, ये गोल्डन वाला जो बता रहे हैं कि है, और वोल्टास का भी देखा है एक ये वाला लगा हुआ है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वोल्टास वाला भी देखा है। अभी कुछ थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, तो डिसाइड होगा तो फिर उसके बाद बताएंगे। ये कुछ इतने फीचर्स वगैरह हैं इसके, और इसके भी भाई फीचर वगैरह हैं कुछ ऐसे, तो देख रहे हैं भाई अभी, क्योंकि रेट का काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, और एक ये है सैमसंग का, बाकी भी देखते हैं भाई जैसा भी होगा। क्या महंगा जूसर है देख रहे हो, 21,000 का भाई। ये सिलाई से मिलते हैं, इससे तो बाल बाल में अंदर होगा, लेकिन वो सर्कल टू सर्च वाला पता नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई, इसलिए हमारे सामने S24 अल्ट्रा, तो भाई इसमें देख रहे हैं सर्कल वाला चल ही नहीं रहा। अभी जैसे मैंने फ़ोटो खींची है इसकी, ये फ़ोटो खींच ली मैंने, ये अभी सर्कल नहीं हो रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं फीचर ऑन नहीं होएगा, क्या पता भाई क्या सीन है, घर जाके देखना पड़ेगा। देखो जब हम आए थे तब दुनिया भर की स्कूटियां बाइकें वहां आगे आगे तक लगी थी, आप देखो इकलौती खड़ी हुई है, यहाँ से ले, ओ आगे से लेके वो वाली साइड से लेके ये वाली साइड पूरी आगे, ये वाली साइड पूरी, जहाँ तक ये लाल स्कूटी लगी है ना यहाँ तक स्कूटियाँ लगी हुई थी। तो भाई अभी सीन ऐसा है कि हमने एसी के मॉडल देख लिए हैं, अभी घर जाके देखेंगे भाई, जो सा भी मॉडल सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसी पर फाइनल कर लेंगे। तो 3-4 मॉडल देखे हैं, वोल्टास के, वो जनरल का, डाइकिन का, और एक क्रोमा का भी था, तो भैया वही वाला बता रहे हैं कह रहे बढ़िया है, तो अभी पता नहीं भाई, घर जाके देखेंगे आराम से। तो भी आज ही गाड़ी लेके गए थे सुबह, ये पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो ये पता नहीं क्या क्या हो गया, तो अब कल एक बारी फिर से गाड़ी धोनी पड़ेगी, तब जाके मैटर क्लोज होगा। ये देखो आपको ये जितना चमक रहा है ना सारा एरिया, ये पूरा पेड़ के नीचे ही खड़ी थी, तो भाई सब करना पड़ेगा दोबारा साफ। तो भाई सीन ऐसा है कि घर अपने आ गए हैं, और अभी बैठ कर थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे इसी वगैरह के बारे में, बाकी अभी डिनर भी करना है, डिनर भी पेंडिंग है। तो भाई एक तो गर्मियाँ आ गई तो उस वजह से भाई पंखा भी बंद करना पड़ता है, देख लो भाई पंखा हमने एक पे कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली पीछे वीडियो जो मैंने बनाई थी अभी इससे एक दो वीडियो पहले, तो उसमें ना पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा था पंखे का, तो फिर पंखा बंद कर दिया, तो अब एक बार ही साउंड क्वालिटी चेक करना कैसी आ रही है। बाकी देखते हैं अभी बैठ के एसी का थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि एसी कौन सा लेना है, क्या करना है, ब्रांड वगैरह का, तो अभी वो डिसाइड करना है, बाकी अभी डिनर वगैरह करना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।